व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इंजीनियर अरशद असलम यूट्यूब चैनल और मेरा ऑफिस है अजमेर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। आज मैं आपको बताऊंगा बैरियर टाउन लाहौर में गोल फेज़ वन जो न्यू डील आई थी 5 मरले की। ठीक है, हम आज उधर खड़े हैं जहाँ पर 5 मरले की कटिंग है गोल व्यू फेज़ वन में। ये आप देख रहे हैं, ये जो पट्टी है नज़र आ रही है, इससे पिछली जो पट्टी है वो पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है। और ये 5 मरले की 3-4 पट्टियाँ हैं। ये सामने वाली पट्टी भी 5 मरले की है और ये 40 फुट के रोड है, ये भी 5 मरले की। इसकी दूसरी साइड पे भी 5 मरला है और बैक पे भी 5 मरला है। ठीक है, ये पट्टी है, ये पट्टी है और फिर ये वाली पट्टियाँ हैं। ठीक है, ये सारी सेल हो गई है डील। ठीक है, इसमें कुछ प्लाट्स हैं तो वो 2.5 माह के इंस्टॉलमेंट पर हम दे रहे हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है। ये सारा व्यू आप देख लें, ये गोल्ड व्यू फेज़ वन बैरियर टाउन 5 मरला की कटिंग है। जो यहाँ पर ये आपको मैं जूम करता हूँ, बाउंड्री नज़र आ रही है, ये आरसी बाउंड्री है। इसके पीछे भी जगह पड़ी हुई है और वो इसके साथ साथ सारी 10 मरला की है। 5 मरला की सिर्फ ये पट्टी है, ये बारिश की वजह से जिसमें पानी खड़ा है, और ये इसके सामने वाली पट्टियाँ हैं, ये वाली पट्टी है। ठीक है, ये वाली पट्टी है और इसके बैक पे दूसरा पार्क है। और ये छोटी सी मस्जिद पहले बनी हुई थी, बैरिया इस मस्जिद को उठाकर आगे लेके जा रहा है। ठीक है, मैं जूम करता हूँ, ये जहाँ पर ये खड़े हुए हैं ना, ये दो लोग, ये यहाँ पर ये जो घर है इसके सामने 2-3 लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। इससे पहले जो एरिया है ना, इस ये मस्जिद को दिया है बैरिया ने। ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे मस्जिद, वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क, और वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका कमर्शियल एरिया, और ये जी पट्टियाँ हैं जो 5 मरला की हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्लाट अवेलेबल हैं, किस किस पट्टी में अवेलेबल हैं। ये देखें, डेवलप्ड है फुली, आप फौरन पोजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये पट्टी है 641 से 626 तक और 642 से 665 तक। ये जो पट्टी है 641 और 626 से लेकर, इस पट्टी में भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब सवाल पैदा होगा कि ये पीछे क्या है थोड़ी सी। ठीक है, 5 मरला तो मिल रही है, ये दरख्त से आगे आगे ये 5 मरला पूरा हो जाता है, ये बहरिया के पास है। ये पीछे जो जगह पड़ी हुई, इसकी भी बहरिया से डील चल रही है। जब ये हो जाएगी, और ये बाउंड्री तो वैसे ही ख़त्म है, तो इसमें अच्छे खासे पैसे डल जाने हैं। ये पीछे फिर फॉर्म हाउस आ जाते हैं। ठीक है, ये पीछे फॉर्म हाउस है, और इस पट्टी में भी प्लॉट मिल जाएगा आपको 626 से 641 वाली में और 642 से 665 वाली में। इस पट्टी में जो एंड पे कॉर्नर का प्लॉट है 642 नंबर, वो भी अवेलेबल है। तो आप में से कोई भी भाई इसमें इंटरेस्टेड हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमें दूसरी साइड दिखा दो जिससे प्लॉट अवेलेबल हैं। ये 594 से लेकर 613 तक, ये पूरी पट्टी, इसमें भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 605 604 वाली नंबरी है, और ये 604 और 605 ये पार्क के सामने आते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पीछे थोड़ी थोड़ी लैंड पड़ी हुई है ना बैरिया की, ये डील चल रही है। जब भी ये हो जाएगी डील, तो बैरिया पीछे कटिंग ही देगा, और उसके बाद फॉर्म हाउस है। जब पीछे कटिंग आएगी तो ये तो वैसे ही आप इसे फिर बाउंड्री नहीं कह सकते। ठीक है, और ये अभी भी बाउंड्री नहीं है। आपने देखा है यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं बनाई गई, क्योंकि बैरिया की डील चल रही है। बैरिया जब ले लेगा तो फिर पीछे अपनी बाउंड्री बनाएगा। ये जी पार्क है, ये 5 मरला है, ये पार्क है। इसके सामने आ रही है 604 और 605 नंबर प्लॉट्स ना, ये बहुत अच्छी लोकेशन है। और जो भाई फ़ौरन बनाना चाह रहे हैं तो वो लाजमी कॉन्टेक्ट करें हमसे, तो हम फिर आपको इसकी सारी डिटेल देंगे। ये देखें जी, ये 614 से 619 तक इस पट्टी की बात कर रहे हैं, और ये लेफ्ट साइड पे हमारी ये सारा पार्क है। ये देख रहे हैं पार्क की, मैं आपको एक और निशानी बता रहा हूँ उस पर। ये पार्क का एरिया छोड़ा, इसके पास डीपियाँ नहीं लगाता फिर बैरिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको गोल व्यू फेज़ वन बैरिया टाउन की 5 मरला जो न्यू डील है उसकी समझ लग गई होगी। और ये सारे जो घर बने हुए हैं, ये सारे 10 मरला में हैं। ठीक है, 10 मरला और किनाल्स में। ये इधर से सीधा अड्डा प्लॉट को भी अप्रोच होंगे रोड। मैं आपको रोड दिखाता हूँ जो अड्डा प्लॉट को लिंक करेगा।
मैं जूम करता हूँ, ये जहाँ से बाइक आ रही है, आपको ना ये जहाँ पर बाइक आ रही है ये अड्डा प्लाट को रोड लिंक करेगा आगे। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर ग्लेशियर के मैं ये बाइक आ रही ये रोड सीधा अड्डा प्लाट को लिंक करेगा इन फ्यूचर। ठीक है, थोड़ा सा ज़मीन रहती है बीच में, तो जो भाई इसमें इंटरेस्टेड है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और बैरिया टाउन लाहौर में, बैरिया ऑर्चर्ड में, बैरिया एजुकेशन में और बैरिया नशीमन में कोई भी क्वेरी हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे प्लाट लेकर देंगे। प्लाट हो, घर हो, फ्लैट हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।